नागपुर शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण शहर में अस्पतालों पर इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। शहर में वेंटिलेटर युक्त बेड्स की कमतरता दिखाई दे रही है। इसके मद्देनजर युवक कांग्रेस ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर वेंटिलेटर बेड्स की संख्या बढ़ाने की मांग की है। नागपुरात कोरोनाचा संसर्ग वाढत चाललेला आहे, अशात शहरातील इस्पितळात याचा मोठा ताण पडताना दिसून येत आहे। तर दुसरीकडे रुग्णालयात वेंटिलेटर युक्त बेड्सची कमतरता भासत आहे। शहरात वेंटिलेटर युक्त बेड्सची उपलब्धता वाढवावी या विषयावर युवक काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले। या निवेदनात शहरातील सार्वजनिक रुग्णालयात वेंटिलेटर आणि ऑक्सिजन युक्त बेड्सची संख्या वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे। बढ़ते कोरोना के प्रादुर्भाव के तहत कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिया। माननीय अध्यक्ष सत्यजीत तांबे, इनके मार्गदर्शन पर यह निवेदन दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरह से मेडिकल में 200 वेंटिलेटर बेड और 600 O2 के बेड है, उसी तरह से 150 बेड IMGC में है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, और 400 के करीब करीब O2 के बेड है। तो सबसे पहले आम जनता और आम गरीब आदमी सरकारी दवाखाना में जाता है और खासगी में सेकंड में जाता है। जब वहाँ पे इस तरह से बेड पूरे फुल है और जब पूछा गया कि O2 के अलावा वेंटिलेटर के बेड क्यों नहीं पेशेंट को मिल रहे, तो कोरोना के बाद में भी एक्सीडेंट वगैरह बंद नहीं हुए, एक्सीडेंट वगैरह बाकी की बीमारियां चालू है। तो इसके कारण डीन ने कहा कि हमको बाकी के लिए भी बेड रखने पड़ रहे हैं, तो वेंटिलेटर की कमी पूरे शहर में है। इसके तहत माननीय सत्यजीत तांबे ने, अध्यक्ष ने कहा था हमको कि आप वेंटिलेटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर से बात करके उनकी सुविधा मुहैया कराया जाए। तो हम कलेक्टर को मिले और हमें ये पता चला कि खासगी में भी, आपको बता दें साथियों कि खासगी में NMC के नॉर्म के तहत जो 1.5 लाख रुपए उन्होंने रखा है, लेकिन ये O2 का बेड देके, वैसे देखा जाता है मैं डॉक्टरों के ऊपर, वो तो वॉरियर्स है, वो लड़ रहे हैं हमारे ज़िंदगी के लिए, वो लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे शहर के अंदर के बहुत सारे खासगी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा वाकया नज़र आ रहा है कि O2 का बेड देकर वेंटिलेटर के पैसे लिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी आम जनता के साथ में तकलीफ है, बहुत लोग वहीं पे मर रहे हैं। और उन लोगों का ऐसा, अगर उनको हम अगर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अगर हम फ़ोन करते और पूछते हैं, तो बोलते कि हमने ऑलरेडी NMC के नॉर्म्स के तहत बेड दे चुके हैं, तो हम वेंटिलेटर दे चुके हैं, अभी जो कुछ बचे हुए हैं हमारे लिए प्राइवेट 20 बेड हमने ऐसे रखे हैं, 80-20 का रेशियो किया, अगर हमारे पास 10 बेड है तो 8 हम NMC के नॉर्म्स की तरह दे रहे हैं और 2 बेड हम खासगी के लिए 2-2.5 लाख रुपये लेके दे रहे हैं। तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष के तहत ये मांगनी हमने की है कि आप एक डॉक्टर की चमू तैयार की जाए। यह हम, मैं आपके ज़रिए भी राजेश टोपे और माननीय अनिल अमित देशमुख जी को भी, वैद्यकीय मंत्री के और वैद्यकीय शिक्षण मंत्री को निवेदन कर रहा हूँ कि एक ऐसी डॉक्टर की समूह तैयार की जाए जो खासगी दवाखानों के ऊपर नियंत्रण रखे, ताकि आम जनता की जो जनता को जो तकलीफ का सामना कर रहा पड़ रहा है, पैसों की जो डिमांड हो रही है, अवास्तव पैसा की डिमांड हो रही है, उसको रोका जाए। ये प्रदेश युवक कांग्रेस की सबसे पहली मांगनी रही है।